अम्मी ये क्या है, मुझे सगीना ने ठंडा नाश्ता ला कर दिया है। अरे बेटा तो फिर सुबह जल्दी उठा करो ना, ताकि ताजा और गर्म नाश्ता मिले। एक सिर्फ छुट्टी का दिन मिलता है मुझे, अब मैं उस दिन भी जल्दी उठ जाया करूँ ताकि मुझे नाश्ता सुबह सुबह मिले। अच्छा उसको बोले मुझे नाश्ता बना कर दे, मैं नहीं करूंगी वो ठंडा नाश्ता, मुझे गर्म चाहिए। अरे बेटा वो तो मेरे कमरे की सफाई कर रही है, नाश्ता तो नहीं बना सकेगी इस वक्त। तो दादी जान मैं ठंडा नाश्ता नहीं कर सकती, ना मुझसे होता है ठंडा नाश्ता। तो बेटा फिर तुम सुबह सवेरे जागने की आदत डालो ना, ताकि सबके साथ नाश्ता कर सको। अच्छा चलो परेशान ना हो, मैं नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी आप कहाँ हैं? देखें आपकी रुशना को कोई गरम नाश्ता बना के देने वाला नहीं है। अम्मी हेलो अम्मी। रुशना कहाँ हो तुम बेटा, मैं कई दिनों से फोन कर रही हूँ तुम्हें। अरे अम्मी वो मैं नॉर्दर्न एरिया से आई हूँ ना, तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह का, मैं तो डर गई थी तुम्हें पता है, ना नींद आ रही थी ना सही से खा पा रही थी मैं, अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे मेरे दिल में। अम्मी आप रिलैक्स हो जाए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वापस आके आपको फोन करूंगी। ख्याल रखना अपना, खुदा जिब्रान। जी मॉम। तुमने बताया नहीं वरीशा के बारे में। मॉम वरीशा अच्छी लड़की है। अच्छी नहीं बहुत अच्छी लड़की है। देखो वो अगले महीने आ रही है एंड आई वुड वांट कि तुम उससे मुलाकात करो, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और शादी तो तुम्हें इसी उम्र में करनी चाहिए ताकि तुम आगे अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। जी मेरा आने का तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे बारे में बातें सुनकर ना मैं बहुत डरती थी। क्या क्या सुनी आपने मेरे बारे में? जब से मैंने सुना है ना कि तुम किसी मिडिल क्लास लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो और तुम शादी तक के बारे में उसके साथ सीरियस हो गए हो, तो मैं रुक नहीं सकी। तो आपने देख लिया हम कैसी शादी, क्या बोल रही हैं? शुक्र है कि ये सब रूमर्स थे। जी अब मैं जाऊं? जाओ। ये खाना किसके लिए ले जा रही है? मामा वहां क्यों जा रही है? उन्हें रोकना होगा।